65 और 70% नशिस्तों की जो खान साहब बात कर रहे हैं वो चीज़ पूरी नहीं होगी और फिर एक प्रेशर जो है वो नहीं आ सकेगा। ये हालात तो इनको सूट करते हैं ना कि पूरी की पूरी जो अपोजिशन है वो इस वक्त बाहर बैठी है, यानी आधी आधी से ज़्यादा जो तादाद है वो फार नहीं है और ये अपनी मर्जी से फैसले करते फिर रहे हैं। अगर के पी असम्बली तहरील होती है फिर पंजाब असम्बली तहरील हो जाती है और फिर जब कौमी असम्बली की बारी आएगी तो यकीनन फिर एक प्रेशर बिल्टअप हो सकेगा, लेकिन इस्तीफे इधर से कबूल नहीं होंगे और ये मजीद जो है ड्रिलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस सिचुएशन को बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि ये 10 नेतात हैं क्या और क्या तरामीम जो है वो प्रपोज की गई हैं। तो इसे इमरान खान की जेर सदारत गुज़श्ता कई रोज़ से जारी मशावरती इजलासों में जिस असलाहती एजेंडे पर काम किया जा रहा है उसके कुछ नकात ज़राए से सामने आए हैं। इमरान खान का हुकूमत का इस्लाहती एजेंडा क्या होगा मैं आपके सामने इसकी तफसील रख देता हूँ। नंबर एक, सीनियर मोस्ट ऑफिसर को आर्मी चीफ लगाने के लिए आईन में तरमीम की जाएगी, इस हवाले से कानूनी माहिरीन ने दस्तावेज तैयार कर ली है। नंबर टू, नैब के इदारे में तरमीम करके इसे बात हजार बनाकर पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह बनाया जाएगा। नैब के इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अदालती इख्तियार भी दिए जाएंगे ताकि एहतसाब के इदारे और एहतसाब अदालत के फैसलों में एक तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। नंबर तीन, जुडिशल कमीशन या जुडिशल काउंसिल के नाम से जजों के एहतसाब के लिए बाख्तियार अदारा बनाया जाएगा जहां जजों के फैसलों को रिव्यू के लिए भेजा जाएगा ताकि अदालतें अपनी मनमानी ना कर सकें जैसा कि आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। नंबर चार, आईन में प्ली बार्गेनिंग खत्म करने करप्शन करने वाले जजेस और जनरलों को सिविलियन एहतसाब की अदालतों में पेश होने का पाबंद बनाया जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा ख्याल है किसी को हमें तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी। नंबर पाँच, कौमी सलामती के इदारे को मजबूत और बाख्तियार बनाया जाएगा जहाँ खारजा पॉलिसी को कौमी सलामती कौंसिल से मंजूर कराना होगा ताकि कोई गैर मुल्की ताकत खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज ना हो सके। नंबर छः, आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी और दीगर सिविल सर्विस के अहम अहदों पर तैनातियों और तब्दीलियों के अख्तियार से सूबे के पास होगा ताकि वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी को ख़त्म किया जा सके। नंबर सात, सदर के अख्तियार में इजाफा किया जाएगा ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मनमानी को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकें। इस तरीके से सिविल या अदालती डिक्टेटरशिप का खात्मा भी हो जाएगा। नंबर आठ, मौशी इस्लाहात के लिए सबसे ज़्यादा कानून साजी की जाएगी, सनत की तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को कानूनी तहफ़ दिया जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मामूली तौर पर मरात दी जाएंगी और पाकिस्तान में उनके पैसे कारोबार और जायदादों को मकामी अफराद से ज़्यादा तहफ़ फराहम किया जाएगा। नंबर नौ, गैर मामूली तरामीम करके सूबों को बराबर हकूक दिए जाएंगे।